हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं मांग की आईलोच की श्रेणियाँ, डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आईलोच की पांच श्रेणियाँ हैं। पहली है मांग की अनंत आईलोच इन्फिनिटिव, दूसरा है मांग की आयलोच इकाई से अधिक, यानी यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? इन्फिनिटिव। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, मांग की आयलोच लोच इकाई के बराबर। इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, मांग की आयलोच इकाई से कम। इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन। फिर है शून्य आयलोच, यानी इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो इन पांचों का हम अलग अलग रेखा चित्र की सहायता से अध्ययन करते हैं। मांग की अनंत आयलोच यहां पे हम लेते हैं मांग मात्रा क्वांटिटी, और यहां पे हम लेते हैं इनकम, क्योंकि आयलोच कर रहे हैं इनकम रुपयों में। तो मांग की अनंत आयलोच क्या होती है? ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर होगा डिमांड वक्र। इनकम में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब मांग मात्रा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है तो उस समय इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटिव। कि उपभोक्ता की आय में बहुत ही कम परिवर्तन, जिसे हम रेखा चित्र में दर्शा भी नहीं सकते, तो मांग में बहुत कम या अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उस समय होती है मांग की आयलोच क्या होती है? अनंत होती है, इन्फिनिटिव होती है। मांग की आयलोच इकाई से अधिक, यहाँ पे हम आय लेते हैं रुपयों में, यहाँ पे मांग मात्रा। तो इसमें हम लेंगे पॉजिटिव स्लोप का ही, लेकिन इसमें ये क्वांटिटी है क्यू वन आई वन। इनकम में बहुत कम परिवर्तन होने से जब मांग में बहुत ज़्यादा अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है तो उस समय इलास्टिसिटी क्या होगी? इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन। ये डेल्टा आई है, ये डेल्टा क्यू है, यानी आय में कम अनुपातिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप जब मांग मात्रा में अधिक अनुपातिक परिवर्तन होता है तो उस समय मांग की आयलोच क्या होगी? इकाई से अभी एक से ज़्यादा होगी। जैसे मान लो, क्योंकि हमने सूत्र क्या किया था, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपात, आय में अनुपातिक परिवर्तन। मान लो यहाँ पे 20% परिवर्तन हुआ है और इनकम केवल 10% बढ़ी थी, तो ये 2 आ गया, तो ग्रेटर देन वन। यहाँ क्या है? इकाई के बराबर। जिस अनुपात में आय में अनुपातिक परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन होता है। जैसे मान लो ये क्यू है, ये आई है, जितना इनकम में चेंज हुआ उतना ही क्वांटिटी में, इनको मिला दो तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? एक के बराबर, डेल्टा आई डेल्टा क्यू, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो एक के बराबर आएगा। इकाई से कम, जब आय में अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हो लेकिन मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम हो तो मांग की आयलोच होगी लेस देन वन। जैसे यहाँ मांग मात्रा और यहाँ पे इनकम लेते हम, तो ये इतनी इनकम है, ये क्वांटिटी है, ये इनकम है। इनकम ज़्यादा बढ़ी लेकिन क्वांटिटी कम बढ़ी, क्यू वन आई वन, ये डेल्टा आई ये डेल्टा क्यू। तो इस तरह से ये डी डी वक्र जो होगा
ये डी डी वक्र जो है ये ई आई लेस देन वन, लेकिन इनकम बढ़े या घटे लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आता कि मांग में सॉरी आय में चाहे जितना भी अनुपातिक परिवर्तन हो लेकिन मांग मात्रा स्थिर रहे, तो ऐसे में जो डी डी वक्र होगा वो इस तरह से होगा, इनकम बढ़े या घटे आई आई वन आई टू, ये क्वांटिटी जो है उतनी ही रहेगी, तो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमने सभी में पॉजिटिव रिलेशन बताया है, लेकिन यहाँ क्या है कि आय में बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने से जब मांग मात्रा बहुत ज़्यादा अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है तो मांग की आय लोच क्या होगी, अनंत। यहाँ क्या है मांग में सॉरी आय में कम अनुपातिक परिवर्तन हो लेकिन मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो, जैसे इन आय मांग मात्रा तो बढ़ गई 20%, इनकम के बाद 10% बढ़ी थी तो ये दो आ गया एक से ज़्यादा। यहाँ क्या है आय और मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर हो, यहाँ इनकम में अनुपातिक परिवर्तन ज़्यादा हो मांग में कम हो, यहाँ क्या है आय में अनुपातिक परिवर्तन होने पर अगर मांग मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, शून्य। तो ये हमने इनकम इलास्टिसिटी की 5 श्रेणियाँ पढ़ी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मांग की आड़ी जा तिरछी लोच।